चश्मा देख के टॉपर समझी क्या? बैक बेंचर है मैं। ब्रो देख टॉपर शांतनु क्या कर रहा है। ब्रो इस बार इस टॉपर शांतनु को तो समझाना पड़ेगा। ये मेरा दोस्त गोलू है, इसकी जिंदगी का पहला मकसद जानते हो क्या है? कलेश कल 11th क्लास के लड़के को जानते हो क्या कह रहा था? ओए ब्रो छोड़ दे मुझे, ये लोग धमकी दे रहे थे मुझे पानी लाने के लिए। क्या रहे मैं बोल दूं सारे स्कूल को तो प्रिंसिपल की बेटी को लाइन मारता है? देखो तो किसी ने सुना तो नहीं। ओ प्रिंसिपल सर, तुम दोनों मुझे टीचर रूम में मिलो। तुम दोनों मतलब? तुम्हारे अलावा। म्यूजिक। सर ये आपको कल गांडू कह रहा था। इसके ना सारी बातें घटिया है, बट सबसे ज्यादा वाहियत तुम्हें पता है, ये साला कभी भी डिसीजन चेंज कर देता है। ओए ब्रो कैसे बोलूं, चल ना हम भी रील बनाते हैं। वो टॉपर होके बैकबेंचर की रील बना के व्यू चाप रहे हैं और हम तो ओरिजिनल बैकबेंचर हैं यार, हम तो छा जाएंगे। ब्रो वेट, टॉपर रील बनाते हैं बट बैकबेंचर ट्रेंड बनाता है। क्या आपको छोटे ई एंड बड़े ई में फर्क नहीं दिखता? क्या आप भी कल से सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो? आपने भी होमवर्क नहीं किया एंड आपका फट रहा है। स्कूल में माइक कौन ले गया? सॉरी मैम, सॉरी मैम। पूरे स्कूल ने होमवर्क सबमिट कर दिया सिर्फ आप दोनों महाशय को छोड़ के। कृपया करके हमें बताने के कष्ट करेंगे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? अभी इसका टप्पा को क्या बहाना दिया जाए? मैंने तुम्हें कुछ पूछा था क्या? सर आप भी तो समझो, दिन भर स्कूल रहता है। बेटे दिन भर स्कूल रहता है पर रात भर नहीं। सर हमारे इलाके में ना लोड शेडिंग हो गया, सारे बिजली वगैरह चला गया। मोमबत्ती जला के नहीं पढ़ सकते थे? सर मोमबत्ती था पर माचिस नहीं था ना। अब ये माचिस किधर था? सर माचिस मंदिर घर में तो था। मंदिर घर से लाए क्यों नहीं? सर नहाया नहीं था ना। अब नहाया क्यों नहीं? सर वो पानी वगैरह नहीं आया। आप कृपया मुझे बताएंगे कि ये पानी क्यों नहीं आया था? क्या बनोगे रे सर आप, मैंने ना पहले ही बोला था लोड शेडिंग था, बिजली नहीं तो पानी कौन देगा। कल रात कौन सी मूवी आई थी? राधे, किसको नहीं पता है कौन राधे कौन। तो आज मैं बताने वाला हूँ एज एन बैकबेंचर स्कूल के बारे में। ब्रो पहले स्कूल की स्पेलिंग बता के दिखा तो। अरे जाना दम मैं तो बता के दिखाना। वन सेकंड वेट। हेलो मुंसी पार्लियामेंट केंद्र, आपने ये कौन सा कचरा छोड़ दिया, ले जाओ इसे। अबे साले वो मुंसी पार्लियामेंट नहीं म्यूनिसिपलिटी होती है। आप सबको लग रहा था मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बहुत ही ज्यादा ईजी है। स्कूल की स्पेलिंग क्या था? हाँ हाँ ISKUL। सर आप लोगों को तो मैंने इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। आज मुझे जितनी भी इंग्लिश आती है इसी सर के वजह। तुम लोगों का पता नहीं पर मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मिस्ट्रेस प्लेस था टॉयलेट रूम, I mean टीचर रूम। उस लाल पर्दे के अंदर एक्चुअली में है क्या, अगर ये आप टॉपर से पूछो। भैया वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे पढ़ाई को लेके रिसर्च होता है। अजी घंटा पढ़ाई के ऊपर रिसर्च होते हैं। टॉपर जयबीरी को जानते हो? टॉपर जयबीरी? ओ टॉपर जयबीरी, वो तो हर साल टॉप करता था, उसे कौन नहीं जानता। करता था पर वो अब किधर है तुम लोगों को पता है? मुझे पता है, वो अभी लंदन में पढ़ता है। तुम बताओ तुम क्या जानते हो? नहीं मालूम। उसे तो टीचर रूम में टॉर्चर किया जाता है। पर वो टॉपर है ना, यही तो उसकी गलती है। तो अब हम क्या करें? बैकबेंचर के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। उफ ये गोलू ही ना। तो असलियत में उस लाल पर्दे के अंदर में एक्चुअली क्या है, ये जानने के लिए मैंने वो पर्दा हटाया। एंड यू गेस इट, मैंने क्या देखा? ओ शिट सर, भोजपुरी संगीत पर मुजरा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये लोग एडमिशन कैसे करते हैं स्कूल में। नमस्ते प्रिंसिपल शाह, बोलो। ये रहा मेरा भांजा, इसकी जिंदगी ना मैं फुल झंड करना चाहता हूँ। तो प्राइवेट स्कूल में ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कम झंड। गुड मामा शार्क, बट आपकी पीछी है ना वो कमाल की है, बच्चे की आंखों में एक भी आंसू नहीं है, ये उसका पहला दिन है समझ ही नहीं आ रहा है। सर ये हमारे संस्कार है। मामा मुझे डीजे आलोक तो मिल जाएगा ना इसके बाद? अरे चुप चुप। डीजे आलोक एक फ्री फायर कैरेक्टर है जिसके पीछे भारत की आधी आवाम कुत्तों की तरह पीछे पड़ी है। अगर आप बटुआ निकाले वहाँ पर 800 रुपया गायब हो तो समझ जाइए आपका बेटा भी डीजे आलोक है। एक्चुअली मेरे बटुए में से 800 रुपया कहाँ गया? तो कंटिन्यू करो। तो मेरा ऑफर है, वेट, इस बार तुम नहीं मैं ऑफर देता हूँ। तुम अगर मुझे डिजालक करो तो इसकी जिंदगी में और झंड कर दूंगा, दिल पक्की। एज ए स्टूडेंट सबसे हार्ड ब्रेकिंग मोमेंट जानते हो कब आता है? जब तुम सोचते हो हाई स्कूल बेटर है प्राइमरी स्कूल से। तुम्हारा कटने वाला है। हाई स्कूल के पहले दिन तुम एक्सपेक्ट करते हो सामने से एक लड़की आएगी एंड बोलेगी, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। रुके ना थोड़ा सा काम है। सीढ़ियों से फिसल के गिर जाते हैं, सिर पे लग जाती है, दिमाग हिल जाता है, यहाँ पे आके अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। ए
धीरे धीरे जब तुम स्कूल में रहने लगते हो तुम्हारा आदत बनता रहता है, एंड स्पेशली जीसीएफडी के मतलब गाना चरस फूक के नॉलेज देने वाले ग्रुप से तुम्हें स्पेशली पता चलता है स्कूल में स्टूडेंट 3 भाग में विभक्त है। ब्रो टॉपर बैग में कुछ नहीं होता, सारे स्टूडेंट होते हैं। एक बार इन सबको बातों में फंसा लो फिर मैं ही टॉप करूंगा। ब्रो ये रहा संजीव सर के नोट। अरे धीरे बोल, सामने टॉपर शांतनु खड़ा है, इस बार उसे किसी भी तरह टॉप नहीं करने देना। मेरे बारे में बात बोल रहे हैं, उन्हें क्या पता है कि संजीव सर को फिक्सिंग करके मैं ही नहीं गलत नोट देता हूँ। नंबर के भूखे टॉपर्स द्वितीय श्रेणी। अरे ब्रो माँ का फोन। बॉयस हेलो आंटी। वो हाँ वो तो यहाँ पर नहीं रहता, वो तो उसे आप गांजे और चरस के फैक्ट्री में आपको मिलेंगे। क्या अटेंडेंस? हाँ अटेंडेंस तो पक्का देता है पर हाई स्कूल में नहीं, गर्ल्स स्कूल में। ब्रो तेरी माँ बार बार मेरे नाम पे क्यों बात कर रही है? अबे साले वो तेरी माँ है। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. बस इस वीडियो में कुछ इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप मुझे गंदे गंदे गाली पकना चाहते हो तो लाइक कर दो, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आप मेरे चैनल में जुड़ना चाहते हो तो लाइक कर दो। सब बराबर बोला ना। एंड ऑल्सो ये मेरा पहला वीडियो तो मैं खुद का इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ममड़ा नाम है यश, एंड प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कालू मदारी आया बंदर लेके। मजाक कर रहा था, लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं लिल यश। तो इस वीडियो में कुछ इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तब तक के बाय, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।